नमस्कार दोस्तों, इजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। ये स्कीम दोस्तों वैसे तो जून में रोल आउट होनी थी, 1 जून से इसको लॉन्च करने का प्लान था, लेकिन कोविड क्राइसिस के चलते जो है वो इसके लॉन्च को पोस्टपोन कर दिया गया है। जैसा कि इस समय गवर्नमेंट की कई स्कीम्स के साथ हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। हमारी वीडियोज़ में भी हमने एक दो स्कीम्स के बारे में चर्चा की थी, जैसे कि दिल्ली में जो है वो स्मॉग टावर लगना था, उसको पोस्टपोन कर दिया गया। इस तरह की कई स्कीमें जो है उन पर प्रभाव पड़ा है कोविड क्राइसिस का। तो अब इस अगर स्कीम की इंपॉर्टेंस की बात करें तो प्री के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि प्री में जो है वो इस तरह के टॉपिक्स आते हैं, स्कीम से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आते रहते हैं। मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोशल सेक्टर की स्कीम है और बहुत अगर कायदे से इम्प्लीमेंट हो पाई तो इसके जो है वो बहुत सारे बेनिफिट्स आगे होंगे। तो फिर दोस्तों आइए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। जनवरी 2020 को यूनियन मिनिस्टर रामविलास पासवान जी ने अनाउंसमेंट किया था कि 1 जून 2020 से वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जो है उसको लॉन्च किया जाना है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कोविड क्राइसिस के चलते जो है वो स्कीम के लॉन्च को पोस्टपोन करना पड़ा। इसी सिलसिले में निर्मला सीतारमन जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने 16 मई को एक अनाउंसमेंट किया था। उसमें इन्होंने स्कीम की डिटेल्स में जाते हुए बताया था कि अब जो है वो फैमिलीज जो फूड ग्रेन्स होती हैं, अनाज होता है, दाल होता है, ये सब किसी भी जगह रहते हुए खरीद सकती हैं। मतलब किसी भी स्टेट में वो हों, भले ही उनका वो होम स्टेट ना हो, वहाँ पर वो इसकी खरीदारी कर सकती हैं। इस स्कीम को जो है वो बेसिकली अनाउंस किया गया था जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, मतलब कि ऐसे लोग जो कि अपना स्टेट छोड़ के, अपना घर छोड़ के दूसरे स्टेट्स में जाके काम करते हैं। ये स्कीम जो है वो ऐसे लोगों के लिए अनाउंस की गई थी। अगर प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो 20 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जो है वो अपने स्टेट्स में इनको लॉन्च कर दिया है, और राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी जो है वो उनके ज्यूरिसडिक्शन में चल रही है। राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी जो है वो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की तरह ही है कि आप अपना ओरिजिनल राशन कार्ड रखते हुए किसी भी जगह से जाके राशन अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए खरीद सकते हैं। अब जो नया नोटिस गवर्नमेंट का आया है, जिस वजह से ये अभी स्कीम चर्चा में थी, वो ये है कि मार्च 2021 तक इस स्कीम को सारे स्टेट्स में रोल आउट कर दिया जाएगा। मतलब मार्च 2021 तक प्लान है कि इस स्कीम को पूरी तरह से लॉन्च कर दिया जाए। अब इस रिलेशन में अगर हम गवर्नमेंट डेटा की बात करें तो ये बताया जाता है कि लगभग 81 करोड़ पीपल जो हैं, 81 करोड़ लोग भारत के, वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में रजिस्टर्ड हैं। इसमें जो है वो 23 करोड़ राशन कार्ड इशू किए गए हैं, जो कि 23 करोड़ राशन कार्ड बेसिकली फैमिलीज को इशू होते हैं, तो 23 करोड़ फैमिलीज को राशन कार्ड इशू किए गए हैं, जो कि इस 81 करोड़ के लगभग 80 करोड़ को कवर करता है। मतलब कि 81 करोड़ में से 80 करोड़ लोग जो है वो इस स्कीम के अंतर्गत कवर्ड है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि इसमें क्या है। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को यूनियन गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट ने 2013 में पास किया था। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 ये जो है वो पास किया गया था। इसका जो एम था वो ये है कि जो फैमिलीज हैं उनको फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करना, और ऐसा करते हुए उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाना। अगर स्कीम के कवरेज की बात करें तो ये स्कीम जो है वो लगभग 75% जो रूरल पॉपुलेशन है उसका 75% और जो अर्बन पॉपुलेशन है उसका 50% इसको कवर करती है, और इनको जो है वो सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करती है। कैसे? टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो हमारे होते हैं, राशन की दुकानें जो होती हैं सरकारी, उनके जो है वो द्वारा। इस स्कीम के अंतर्गत हर मेंबर को 5 किलो फूड ग्रेन, मतलब एक राशन कार्ड पे 5 किलो फूड ग्रेन जो है वो अलाउड होता है हर महीने के लिए। इसका रेट होता है राइस के लिए 3 रुपए पर केजी, वीट के लिए 2 रुपए पर केजी, और मोटे अनाज के लिए 1 रुपए पर केजी। इस हिसाब से 5 किलो राशन जो है वो अलॉट होता है। तो ये हो गया हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में, हमारे लिए इतनी जानकारी जो है वो सफिशियंट है इस टॉपिक के अंतर्गत। अब अगर हम इसकी और डिटेल्स में जाएं तो इस समय जो सिचुएशन है, इस समय जो प्रोविजंस हैं उनके हिसाब से एक राशन कार्ड जो होता है वो एक फेयर प्राइस शॉप से जो है वो कनेक्टेड होता है। फेयर प्राइस शॉप जो है वो यही पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एक पार्ट है। जो दुकानें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से सब्सिडाइज्ड अनाज बेचती हैं, उन्हीं को फेयर प्राइस शॉप्स कहा जाता है।
तो जैसा कि मैंने बताया, अभी जो प्रोविजन चल रहे हैं उसके हिसाब से एक राशन कार्ड जो है वो उस एरिया की फेयर प्राइस शॉप से कनेक्टेड होता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, जैसे कि आप अगर सासाराम, बिहार में सासाराम में अगर आप रहते हैं, तो सासाराम में आपके एरिया में जो नियरेस्ट फेयर प्राइस शॉप होगी उससे आपका राशन कार्ड कनेक्टेड होगा, और आप जो है वो आप और आपकी फैमिली उसी जगह से जाकर अपना महीने का अनाज जो है वो खरीद सकती हैं। तो इससे क्या होता है कि जो राशन कार्ड की जो मतलब राशन कार्ड का जो एरिया ऑफ इफेक्ट है, मतलब कि जिस एरिया में वो काम करता है वो सीमित हो जाता है, मतलब कि आपके घर के आसपास ही जो है वो काम कर सकता है। अगर आप अपने घर से बाहर जाते हैं तो आप जो है वो उस राशन कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जो है वो इसी में परिवर्तन लाने की कोशिश कर रही है। अब वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम में क्या होगा कि जो आपका राशन कार्ड है आप उसको लेके अपने देश में किसी भी राशन की दुकान पर या फेयर प्राइस शॉप पर जाएंगे और आपको जो है वो आपके राशन कार्ड पर आपका महीने का राशन आसानी से इशू हो जाएगा। अब इतना जानने के बाद हमारे दिमाग में एक सवाल आएगा कि ये जो स्कीम बनाई गई है, जो प्रोविजन है, ये कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये जो है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जितनी भी बेनिफिशियरीज हैं उनको आधार के माध्यम से, बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन के माध्यम से उनको जो है वो रिकग्नाइज किया जाएगा, और हर फेयर प्राइस शॉप पर एक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन होगी जो कि उस सेल को दर्ज करेगी। तो इसमें मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझा दूँ कि जैसे आप जो है वो आपकी फैमिली से दूर कहीं किसी दूसरे स्टेट में रहते हैं, राशन कार्ड में जो है वो आपका भी नाम है, आपकी फैमिली जो है वो दूसरी जगह रह रही है, आपके होम स्टेट में रह रही है। तो आपको जब आपके राशन कार्ड पर अनाज खरीदना होगा तो आप अपनी नियरेस्ट फेयर प्राइस शॉप में जाएंगे, आप वहां पर अपना बायोमेट्रिक जो है वो आधार कार्ड अपना, मान लीजिए आपने आधार कार्ड अपना वहां पे दिखाया, तो वो जो है वो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा और इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन से आपको जो है वो जो भी आपको चाहिए होगा, आपके हिस्से का जो अनाज होगा वो आपको इशू कर दिया जाएगा, और जो एक सेंट्रल सिस्टम होगा उसमें वो दर्ज हो जाएगा कि इस राशन कार्ड पर इस इंसान ने इस जगह से इतना अनाज जो है वो ले लिया है। बाकी जो बाकी फैमिली मेम्बर्स का जो कोटा है वो अभी भी बरकरार है, और वो उस कोटे को अपने होम स्टेट में अपनी नियरेस्ट फेयर प्राइस शॉप से जाके खरीद सकते हैं। तो इससे जो है वो ये समस्या खत्म हो जाती है कि एक राशन कार्ड पर जो है वो एक ही जगह से सामान लिया जा सकता है। अब ये प्रोविजन हो गया कि ये जो है वो ऑल ओवर इंडिया जो है वो कोई भी कहीं से भी अपना राशन का सामान आसानी से ले सकता है। तो अब हमने इतना जान लिया तो इसको हम समझा से बहुत सिंपल भाषा में समझा जा सकता है कि जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो भी इस तरह के लोग हैं जिनको किसी भी कारणवश काम की तलाश में अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में जाना पड़ रहा है, वो भी अब जो है वो अपने होम स्टेट में इशू हुए राशन कार्ड से सामान खरीद सकते हैं। ये जो स्कीम लॉन्च की जा रही है इसका टेस्ट रन जो है वो ऑलरेडी किया जा चुका है। पिछले साल जो है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में ये राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी की स्कीम चली थी, और महाराष्ट्र और गुजरात के बीच भी इस तरह की स्कीम्स जो है वो गवर्नमेंट ने चला के टेस्ट रन इसका ऑलरेडी किया हुआ था। तो आप लोग दोस्तों ये भी जानते होंगे कि जो राशन कार्ड होता है वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इशू किया जाता है। तो अभी तक जो सिचुएशन थी वो ये था कि जैसे राशन कार्ड किसी स्टेट ने इशू किया है तो आप उसी स्टेट में अपनी नियरेस्ट फेयर प्राइस शॉप पे जहां पर कि आप रजिस्टर्ड हैं वहीं से सिर्फ जो है अभी तक आप सामान खरीद सकते थे, और अगर आप किसी दूसरे स्टेट में जो है वो शिफ्ट करते हैं, आपको किसी कारणवश वहां पर जाना पड़ता है अपना स्टेट छोड़ के, होम स्टेट छोड़ के, तो आपको एक नए राशन कार्ड के लिए वहां पर अप्लाई करना पड़ता था। साथ ही साथ ये भी होता था कि मान लीजिए कोई लड़की है, उसकी शादी हो जाती है, तो उसका नाम जो है वो एक राशन कार्ड से उसके घर के राशन कार्ड से हटवाकर उसकी नई फैमिली के राशन कार्ड में इंक्लूड कराना पड़ता था। तो ये जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर हो जाता था, और इन सब चीज़ों के चलते जो हमारा टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें भी जो है वो बहुत सारी अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाती थी। तो इन्हीं सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए, इन्हीं सब चीज़ों का, इन्हीं सब समस्याओं का हल निकालने के लिए सरकार ने ये जो है वो स्कीम लॉन्च की है, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, जिससे कि जो ओवरऑल जो हमारा पीडीएस सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई किया जा सके, और लोगों की जो समस्याएं होती हैं अपने घर से दूर जाने में वो जो है वो बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि एक जो है वो खाना बहुत बड़ी समस्या होता है, और अगर आपको सब्सिडाइज्ड भोजन जो है वो किसी भी स्टेट में मिल जा रहा है आपके राशन कार्ड पर, तो उससे बड़ी आपकी हेल्प जो है वो हो नहीं सकती है। और अगर
माइग्रेंट वर्कर्स का या माइग्रेट करने वाले लोगों की जो है वो इस तरह की हेल्प की जा रही है। तो वो बहुत बड़ा पोर्शन है पॉपुलेशन का। 2011 का सेंसस हमारा जो है वो कहता है कि 4.1 करोड़ लोग जो है वो इंटरस्टेट माइग्रेशन ऐसे लोगों ने किया हुआ था, मतलब कि वो अपने होम स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में गए थे। और सेंसस ने ये भी कहा था कि उसमें 1.4 करोड़ जो है वो लोग ऐसे थे जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट के चलते, मतलब कि रोजगार की तलाश में जो है वो माइग्रेशन किया था, चाहे वो इंटरस्टेट हो चाहे इंटरस्टेट हो, मतलब कि चाहे स्टेट के अंदर ही अपने जिले से दूसरे जिले में जाना हो या ओवरऑल जो है वो दूसरे स्टेट में ही जाना हो। तो इस तरह के जो है वो 1.4 करोड़ लोग थे जिन्होंने माइग्रेशन किया था। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा हिस्सा है पॉपुलेशन का जो कि माइग्रेशन करता है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के लिए हो चाहे किसी और कारण से हो। तो अगर ऐसे लोगों के लिए ऐसी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम आ रही है जो कि उनकी लाइफ को, जो कि उनकी जो एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए जो उनकी पहल है, जो उनकी एफर्ट्स हैं, उनको जो है वो अगर आसान कर सकती है, तो ये बहुत बड़ा, बहुत अच्छा कदम है, बहुत ही सराहनीय कदम है। तो दोस्तों फिर आज के वीडियो में इतना ही, इस टॉपिक में डिस्कशन करने के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। टेक केयर।